नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्यास सर बोल रहा हूँ आपके समक्ष। हिंदी विषय स्टैंडर्ड 9th और 10th, लघु कथा लेखन आपके स्क्रीन पर आ गया है। मन के हारे हार न है, मन के जीते जीत। ये एक पंक्ति है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उक्ति का अर्थ है मन के हारे हार है, जो मन से हार जाता है वही जीवन में कभी जीत नहीं पाता है। और मन से जो जीत जाता है, मतलब आत्मविश्वास, जिसके भीतर आत्मविश्वास है वो जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। सिंपल सी बात है। जिसके भीतर आत्मविश्वास नहीं है, मतलब माँ बाप, शिक्षक, मित्रगण या सगे संबंधी या दौलत शौहरत, चारों तरफ से तुम्हें सपोर्ट मिल जाए या सहकार मिल जाए या सहयोग मिल जाए, फिर भी आप मन से प्रसन्न नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है या अपने भीतर दृढ़ संकल्प नहीं है, तो आप हार जाओगे। लेकिन चारों तरफ से कोई सपोर्ट ना करे, चार पूरी विश्व आपके अगेंस्ट में हो, फिर भी आपके भीतर आत्मविश्वास हो, दृढ़ संकल्प हो और आप मन से हारने को तैयार नहीं है, तो आपको इस पृथ्वी पे कोई हरा नहीं सकता। ये सिंपल सी बात समझ लो। जीवन हारने का नाम नहीं है, और जीवन में वही व्यक्ति जीतता है जिसको हारने का खौफ, डर निकल जाए। जिसके जीवन में से हारने का डर निकल जाए वो जीवन के अंत तक सफलता हासिल कर ही लेता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो परीक्षा में पेपर देने जाते हैं तो कहीं कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा पूछेंगे, परीक्षा में हार्ड पेपर आएगा तो क्या करेंगे। मनोबल से वो हार जाते हैं तो पूरा पेपर बिगाड़ के आते हैं। कोई इंटरव्यू में चले जाते हैं तो इंटरव्यू में लिखने जाते हैं या इंटरव्यू करने जाते हैं तो सामने कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो मनोबल से कमजोर हो जाते हैं और वो आत्मविश्वास गुमा देते हैं। तो मन से कभी हार नहीं माना चाहिए। उस पर एक छोटी सी कहानी। एक बार कथा है, एक बार की बात है, दो राजाओं के बीच में अद्भुत और असंख्य अद्भुत युद्ध हो चुका था, भयंकर युद्ध हो चुका था, और दोनों राजा किसी से हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन एक राजा ने दूसरे राजाओं से मदद मांगी, दूसरे नगरों से मदद मांगी और उस राजा पर अचानक चढ़ाई कर ली, तो वह राजा के सैन्य को परास्त कर दिया, खत्म कर दिया और राजा भी घायल होकर गिर पड़ा, लहूलुहान से लथपथ था और वहां पे गिरा पड़ा था। और उस वक्त वह बहुत हार चुका था, टूट चुका था और वह अपने राज्य को देने के लिए मजबूर हो गया था। ऐसे में वह सारी सेना चली गई, राजा हार गया, मुकुट भी गिरा हुआ था, उसका जो सुरक्षा कवच था वो भी टूट के बिखर गया था और राजा अपने आप में मन में सोच गया था कि भाई ऐसी बदनामी से अच्छा है कि मैं खुद से आत्महत्या कर लूँ, अपने आप को ख़त्म कर दूँ तो ही अच्छा रहेगा, वरना अदरवाइज मैं जीता रहूँगा तो दुनिया मुझे हारा हुआ राजा कहेगे, मेरी प्रजा मुझे धिक्कारेगी कि तुम इतना बलवान हो, अपनी डिंग मारते थे और तुम एक राजा के सामने जीत नहीं पाए। तो ये बदनामी की वजह से वो खुद को आत्महत्या यानी खुदकुशी करने के लिए वो सोच रहा था। उसी वक्त उसकी नजर पड़ी, एक दीवाल थी या एक पेड़ था, उस पर एक मकड़ी थी, वो अपना जाला बना रही थी। एक बार प्रयास किया, दो बार प्रयास किया, तीसरी बार प्रयास किया, 15 या 20 बार प्रयास करने के बाद वो मकड़ी अपने जाला बना के छोड़ा। इसके बार बार प्रयास, बार बार गिर जाना, बार बार टूट के बिखर जाना और बार बार मकड़ी अपना जाला बनाने की कोशिश करना, यह कोशिश देखकर अंत में राजा खुश हो गया कि एक बार फिर से प्रयास किया जाए, एक बार फिर से प्रयत्न किया जाए तो हम अपने कार्य में सफल होके रहेंगे। तो मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है। जो मन से दृढ़ संकल्प कर दे कि वापस मैं जीवन में वापस वही सफलता हासिल कर सकता हूँ, मन से मैं अपने आप वापस प्रयास करूँ तो संभवतः यह है कि मैं वापस वह सफलता मैं हासिल कर सकता हूँ। जीवन का एक दर्शन है, जीवन का एक उद्देश्य है, जीवन का एक ज्ञान है,
कि मनुष्य को जब तक सांस चलती है तब तक जीवन में प्रयास करना ही पड़ेगा। मनुष्य के पास सिर्फ परिश्रम, मेहनत, हार्डवर्क, इसके अलावा कोई प्रयास, उसके पीछे कोई, वही जीवन का रहस्य है, वही जीवन का सीक्रेट है कि जब तक जिएगा तब तक उसको बार बार प्रयास करना चाहिए। जैसे कुएं में एक पनिहारी पानी भरने जाती है तो रस्सी से वो पानी को, जो बर्तन होता है उसको खींचती है, तो बार बार रस्सी से खींचने में वहां पे एक चट्टान होती है तो चट्टान पे भी निशानी हो जाती है। हालांकि रस्सी की ताकत नहीं है कि वो बार बार रस्सी से वो पानी खींचेगी तो वो चट्टान पे निशानी हो जाएगी, लेकिन बार बार प्रयास ने वो रस्सी में कमजोर होने के बावजूद भी वो पत्थर पे निशान कर देते हैं। वैसे भी हम चट्टानों पे कुछ लिख सकते हैं, हम बार बार अपने फील्ड में प्रयत्न करते रहेंगे तो एक दिन, मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि जिंदगी में सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर बार बार प्रयत्न करते रहोगे तो एक दिन अवश्य सफलता मिलती है। तो हमारा प्रयत्न बंद नहीं करना चाहिए। बिल्ली भी हजारों घर में घूमती है तब जाके उसको एक बार दूध पीने को मिलता है। वैसे ही जीवन में मनुष्य को प्रयत्न करते रहना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। प्रस्तुत कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन को मजबूत करना चाहिए, दृढ़ संकल्प बनाना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी से किसी भी मोड़ पर चुनौती आ जाए, मेरा ऐसा मानना है जो जिंदगी की चुनौती को स्वीकार नहीं करता है वो चलती फिरती लाश बन जाता है, और वो चलती फिरती लाश तभी बन पाता है जब तक वो चुनौती को सामना करता रहेगा, तब तक जिंदा है। तुम जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण दो। क्यों? प्रमाण यही है कि तुम उन चुनौतियों को सामना करते हो। एवरी डे नई नई चुनौतियां हैं, नई नई प्रॉब्लम हो उसको फेस करो, उसको सामना करो, तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, बुद्धि भी विकसित होगी और जीवन में आगे भी बढ़ते जाओगे। तो सफलता का एक ही मंत्र है कि जीवन में हमें अपने परिश्रम, हाँ, लक्ष्य बड़ा हो तो एक बार निष्फलता, दोबारा निष्फलता, कितनी भी बार निष्फलता, लक्ष्य को मत बदलो लेकिन रास्ता बदल के वापस दूसरी जगह से प्रयास करो। हो सकता है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वही रास्ता हो। शॉर्टकट रास्ता होता नहीं है जिंदगी में कुछ पाने के लिए, और इस जर्नी को एंजॉय करोगे तो हारे हुए इंसान भी अंत में जीतते हैं। यही इस कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था, यही बोध है, यही कहानी। इस तरह से आपको इन कहानियों को बुनना है। इंसान का एक स्वभाव है कहानियों में जीना, सपनों की दुनिया में जीना है, लेकिन सफलता के लिए नए नए राज, नए नए सीक्रेट हमें सबक देता है कि जिंदगी एक बार मिली है, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, तो इसमें जी जान से अपनी शिद्दत से पाने की कोशिश करना चाहिए। यही जीवन का सारांश है, यही बोध है। अस्तु, धन्यवाद। व्यास सर।